कैसे हैं आप सब। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का। मेरा नाम निशित रंजन है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद निशित। आज की क्लास में हम लोग वर्ड्स पर से शुरुआत करते हैं और वर्ड्स पर देखते हैं कि आज के क्लास में वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। ऐसी घटना जब हम किसी के चीज़ पे निष्कर्ष पहुंचते हैं तो हम कहते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन आप जैसे देखते होंगे कि जब पूरा स्टोरी बोला गया तो लास्ट में बोला कंक्लूजन बताओ, निष्कर्ष बताओ। पूरा चीज़ हम पूरा कहानी फिल्म देख लेते हैं तब बोलते हैं इसका निष्कर्ष बताओ। तो उसका जो फाइनल टच है, जो फाइनल चीज़ है, जो उसका उसका मेन चीज़ है, उसको हम क्या कहते हैं? तो कंक्लूजन बता दो, हम ज़्यादा नहीं सुनना चाहेंगे, उसका कंक्लूजन बता दो क्या हुआ। कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जो पूरा का मतलब पूरा कहानी सुना देंगे आपको, ठीक है, और मेन पार्ट नहीं बताएंगे कि हाँ अरे ऐसे हुआ था, जबकि उसका बहुत छोटे से चीज़ में आप बता सकते हैं कि अच्छा ये हुआ था। तो उसी को कहा जाता है कि कंक्लूजन बता दीजिए आप, है ना, कि ओवरऑल इस कहानी का कंक्लूजन क्या है, मतलब इसका निष्कर्ष क्या है। तो उसी का मतलब होता है कंक्लूजन। सेटबैक मतलब होता है झटका। सेटबैक तब हम यूज़ करते हैं जब एक पार्टी, सपोज कीजिए कि कोई बड़ी एक पार्टी है और उस पार्टी से कोई लोग दूसरे पार्टी में चले गए, है ना, जैसे कि कांग्रेस से ज्योतिराव सिंधिया चले गए बीजेपी में, तो क्या हुआ है, कांग्रेस के लिए सेटबैक हुआ, है ना। इसी तरीके से कोई कंट्री का बहुत बड़ा नाम कोई अगर नहीं रहे, गुजर जाए, तो हम क्या बोलेंगे, कंट्री के लिए सेटबैक है, क्योंकि वो बहुत करते थे कंट्री के लिए। तो सेटबैक कहने का मतलब क्या होता है, झटका लगना होता है। झटका लगना किस सेंस में कि अब उनकी उपस्थिति नहीं है, अब वो सर्विस नहीं दे सकते हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो हम क्या कहेंगे, सेटबैक कहेंगे। जैसे कि दिस इज़ ए ह्यूज सेटबैक फॉर कांग्रेस, है ना। कब सेटबैक लगा, कि जब झटका कब लगा, जब वो गायब हो गए, जब यहाँ से वहाँ चले गए, है ना, तो सेटबैक है। उसी तरीके से रेक्टिफाई, वी शुड रेक्टिफाई आर मिस्टेक्स। हमें अपने मिस्टेक्स को क्या करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए। हमें अपने मिस्टेक्स को दोबारा से क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। रेक्टिफाई का मतलब क्या होगा, सुधार करना या ठीक करना। इसी तरीके से हमारा जो अगला वर्ड है वो है कंसेंट, मतलब कि सहमत होना, है ना। जब कोई सहमत हो जाए आपकी बात से तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप कंसेंट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। दैट यहाँ पे मैंने बनाया था, डीएम हैज़ कंसेंटेड टू विजिट माय विलेज। डीएम ने क्या किया, मेरे गांव में आने का जो मेरा प्रार्थना था उस स्वीकार कर लिए, सहमत हो गए, अब मेरे वो गांव में आएंगे, है ना, दैट इज़। उसके बाद एब्सर्ड, बेतुका। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत बेतुका बात करते हैं, मतलब उसका कोई सर पैर नहीं होता, उसका कोई आइडेंटिटी नहीं होती, ऐसे कुछ कुछ, है ना। तो कह रहा है कि बेतुका, दिस इज़ रियली ए एब्सर्ड क्वेश्चन, यह बहुत ही से सही में बहुत बेतुका सवाल है, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, बेतुका बात है, है ना। उसी तरीके से जो हमारा छठा वर्ड है वो है डिसगस्टिंग। जैसे कभी आप देखते होंगे बहुत ख़राब चीज़, बहुत ख़राब वाक्या होता है कोई, और जो आपको बहुत बुरा लगता है, है ना, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना जो लगे कि अरे यार ये तो बहुत अस्तर से नीचे का है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको डिसगस्टिंग बोलते हैं, कितना गलत है। जैसे कभी कभी न्यूज़ में आता है कि माँ ने बेटे ने माँ को पीटा, है ना, तो कितना गलत न्यूज़ है, मतलब कैसा लगता है समाज में, ऐसा होना चाहिए। कोई कोई ये देखता है कि कोई बूढ़ा आदमी है, उसको कहीं लोग सीट नहीं दिया, उसको मारा, तो ये, और कोई गरीब आदमी है, गरीब आदमी को लोग सताया, तो ये कैसा है, इसको हम कहते हैं कि यार बड़ा बेकार सा एकदम सर्पनाक बात है, ये तो नहीं होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, डिसगस्टिंग है। क्या बोलेंगे, ये डिसगस्टिंग है, है ना, शर्मनाक है। इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे, डिस्गस्टिंग। हम लिखें हाउ डिस्गस्टिंग, जो भी आगे आप हैं वो बता सकते हैं। एब्रप्ट मतलब क्या होता है, एब्रप्ट मतलब होता है अचानक बरस पड़ना, सडनली अचानक कोई चीज़ हो जाए तो क्या बोलेंगे हम, एब्रप्ट बोलेंगे। अचानक मतलब मान लीजिए कि कोई अभी आया है और इस पर गुस्सा हो गया कोई, है ना, कोई आदमी आया उस पर गुस्सा हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, एब्रप्ट बोलेंगे, है ना। एक्सप्रेस एंगर सडनली, जब आप एंगर को एक्सप्रेस करते हैं, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, तो क्या बोलेंगे हम, एब्रप्ट बोलेंगे, ठीक है। दूसरा है बैक बाइट, चुगली करना। बहुत लोगों का आदत होता है इधर कुछ उधर कुछ इधर कुछ उधर कुछ चुगली करना, है ना, जब चुगली करने को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बैक बाइट बोलेंगे। बैफल, बैफल मतलब होता है परेशान कर देना, है ना, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा चीज़ जिसका कोई मतलब आप परेशान हो गए उसको लेके, है ना, बहुत ज़्यादा हेडक दे दिया आपको बिना मतलब का, तो आप क्या यूज़ करेंगे, बैफल। जैसे योर सिली क्वेश्चन, उसका सिली क्वेश्चन है बैफल्ड मी ऑलवेज, वो हमेशा क्या करता है, मुझे परेशान करता है, उसका जो छोटा छोटा सवाल है। जैसे आपको एक एग्जांपल बता देते हैं कि कोई छोटा बच्चा है, है ना, और वो आपसे कुछ पूछ रहा है, कुछ ऐसा चीज़ पूछ रहा है जो आप उसको उसको आंसर नहीं कर सकते हैं, है ना, उसके स्तर का नहीं है,
ठीक है, लेकिन वो सवाल पूछ रहा है आपसे, तो आप उस समय क्या हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, उसको कुछ दूसरा चीज़ बताने लगेंगे, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको बैफल कहते हैं। तीसरा जो है, जो लास्ट वर्ड है हमारा, फ्रस्ट्रेट है, डिसअपॉइंटेड। जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने का मतलब क्या, कि जब आप ऐसा करते हैं, जब आप कोई काम करें आपसे नहीं हुआ, जब आप लगातार मेहनत कर रहे हैं आप सक्सेस नहीं पा रहे हैं, बोलते यार अब फ्रस्ट्रेट हो गए, अब नहीं होगा कुछ, तो दैट इज़ फ्रस्ट्रेट, है ना। तो आप हताश हो गए, निराश हो गए, तो क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए, है ना। ही वॉज सो मच फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, आफ्टर ही कुड नॉट टेक करेज टू डू इट अगेन, उसके बाद उसने कभी हिम्मत ही नहीं किया कि दोबारा करें, है ना। तो ऐसा नहीं, हिम्मत तो हारना नहीं है, करते रहना है, लेकिन फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है। फ्रस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जब आप हताश हो जाते हैं, तो हमें हताश नहीं होना है, काम करते रहना है। आज हम लोग अपने ग्रामर के सेक्शन में बात करेंगे फ्यूचर का, फ्यूचर को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका काम है कि इस पूरे क्लास को, पूरे सेशन को अच्छे तरीके से देखिएगा और ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये क्या कहता है फ्यूचर। बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है कि फ्यूचर क्या है और इसका यूज़ कैसे करते हैं। पूरा डिटेल का क्लास है, पूरे कहीं भी मिस नहीं करना है, पूरे अच्छे से पढ़ना है। आइए देखते हैं कि फ्यूचर है क्या एग्जैक्टली। फ्यूचर तो हम ऐसे आम तौर पे बातचीत में कहेंगे, जो फ्यूचर में होगा वो फ्यूचर है, जो होगा आगे होगा वो फ्यूचर है। हमें ये बताया गया था पहले बचपन में भी पढ़े थे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी लगा रहे वो फ्यूचर है ना, वही फ्यूचर है, बाकी कुछ फ्यूचर है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो फ्यूचर नहीं है। हम फ्यूचर का यूज़ अलग अलग सेगमेंट में करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, और ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम फ्यूचर का यूज़ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग ये पूरा जानेंगे कि फ्यूचर का यूज़ कहाँ होता है और कैसे होता है। तो आइए देखते हैं, फ्यूचर का यूज़ दो तरीके से, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल तरीका क्या है, जो हम गा गे गी वाला, है ना, कि वो जाएगा, वो खाएगा, ही विल गो, ही विल कम, शी विल प्ले, है ना, वो खेलेगी, वो स्कूल जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक फॉर्मल तरीका है जो हम विल से बनाते हैं, है ना। आप ये भी कहें कि शैल और विल लगता है, तो उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं इनफॉर्मल तरीका हमारा। इनफॉर्मल तरीके में मैंने क्या कहा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक आप देखिए प्लान्ड है और दूसरा अनप्लान्ड है। प्लान और अनप्लान्ड क्या है, प्लान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पहले अनप्लान्ड के बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना, कि अनप्लान्ड क्या है। अनप्लान्ड क्या है, ये देखना है कि जब हम कोई ऐसी बात, कोई ऐसा घटना जो क्या है, जब आप ऐसे ही बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस मीटिंग में हैं और बिजनेस मीटिंग में बात करते करते आपसे ये बात हो गई कि यार कल वो एक क्लाइंट से मिल लेते तो ठीक रहता, तो आप कोई प्लान नहीं किए उस फ्यूचर के लिए, लेकिन आपने क्या कह दिया, आपने कह दिया कि ठीक है हम कल मिल लेंगे, ओके आई विल मीट टू मिस्टर अमित, कल हम मिल लेंगे अमित से, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक इंस्टेंट डिसीजन ले लिया गया और ये एक इनफॉर्मल कैटेगरी में आ गया, ठीक है। आपसे कोई पूछा कि तुम क्या करोगे आगे चल के, है ना, आपने कोई प्लान ही नहीं करा है, क्या करेंगे, आप सोचो क्या करेंगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि हम बिजनेसमैन बन जाएंगे, आई विल बी ए बिजनेसमैन, है ना, आप में कोई प्लानिंग नहीं करा, लेकिन आपने बोल दिया, इंस्टेंट डिसीजन लिया, आई विल बी ए बिजनेसमैन। ये भी विल वाले में ही बनाएंगे, लेकिन हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कंटेक्स्ट बता रहे हैं कि हम किस कंटेक्स्ट में इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अब मतलब मान लीजिए कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, है ना, दो दोस्त बात कर रहे हैं और बात करते करते हुआ कि भाई क्या खरीदोगे, तो ये बोला कि मैं बाइक खरीदेगा, है ना, तो इंस्टेंट डिसीजन निकल रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अनप्लान्ड है ये, इसमें कोई प्लान नहीं है, है ना, इसमें कोई प्लान नहीं। आप अचानक बैठे बैठे, मान लीजिए कि दो दोस्त आप लोग हैं और दो दोस्त, एक दोस्त आपको आके बहुत प्रॉब्लम कह रहा है, अरे कि भाई ऐसे हो गया, बहुत सारा प्रॉब्लम समझा रहा है आपको, ठीक है, देखो ना घर में शादी है बहन की और बड़ा दिक्कत है, ही इज़ टेलिंग यू द प्रॉब्लम ओनली, सिर्फ आपको प्रॉब्लम बता रहा है, तो आप बोल देते हैं कि भाई ठीक है हम आ जाएंगे या मैं आ जाऊंगा, है ना। तो आपने एक इंस्टेंट डिसीजन ले लिया, यहाँ पे आपका कोई प्लानिंग नहीं था, आपने एक इंस्टेंट डिसीजन ले लिया, बोलेगा ओके आई विल कम, है ना। तो ये कैसा डिसीजन हो गया, एक अनप्लान्ड डिसीजन हो गया। इंस्टेंट डिसीजन जो हम लेते हैं उसको कहते हैं। अब देखना यह है कि इधर वाले में इनफॉर्मल जो है, चूंकि इनफॉर्मल तरीका नहीं है, फॉर्मल तरीका तो इधर है जो हम लोग आगे की पढ़े हैं, है ना, लेकिन चूंकि वही पूरा तो फ्यूचर है नहीं,
अब यहाँ देखना है कि प्लांड तरीका जो है, प्लांड तरीके में हम कैसे बी गोइंग टू का यूज़ करते हैं, कैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं, कैसे हम सिंपल प्रेजेंट का कैसे यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, फ्यूचर बताने के लिए। तो कुछ तो हम लोग पहले पढ़े भी हैं सिंपल प्रेजेंट में कि कैसे सिंपल प्रेजेंट वाले सेंटेंस भी फ्यूचर वाले सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट के होते हैं, वो बताते फ्यूचर है, है ना। तो इसके बारे में हम अभी डिटेल से चर्चा करेंगे एक एक करके, है ना। तो पहले देखते हैं बी गोइंग टू से। जब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, क्या बी गोइंग टू का, है ना, बी गोइंग टू, बी फॉर्म में हम लोग पढ़े हैं क्या आता है, इज एम आर आता है। तो बी गोइंग टू का जब हम पढ़ेंगे, ये प्लान्ड एक्शन होता है। प्लान्ड एक्शन ऐसा एक्शन जो आप पहले से प्लान कर चुके हैं कि ऐसा हम करेंगे, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं वो प्लान्ड एक्शंस को बताते हैं कि ये सारा एक्शन किसमें आएगा, प्लान्ड एक्शन में। एग्जांपल के तौर पे देखिए, आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी दिस इवनिंग, इसका मतलब क्या है, आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, मतलब मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, एक प्लान किया हुआ है कि मैं आज शाम मूवी देखने जा रहा हूँ, है ना, दिस इवनिंग। यहाँ एक बैरियर लगा हुआ है फ्यूचर में और ये कह रहा है कि मैं आज शाम मूवी देखने जा रहा हूँ, तो कहेंगे आई एम गोइंग टू वॉच मूवी दिस इवनिंग। अब ये समझिए कि एक प्लान एक्शन है। प्लान एक्शन को किसे बोला जा रहा है, जब एक्शन प्लान्ड है तब किसे बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। किस फॉर्म में, टू बी गोइंग में, है ना। आई एम गोइंग, यहाँ एम है, गोइंग टू वॉच अ मूवी, है ना, दिस इवनिंग। आई एम गोइंग टू हेल्प हिम, आपने प्लान कर लिया है और आप बातचीत में कर रहे हैं कि मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ। अब इसका मतलब ही नहीं कि आप निकल गए मदद करने, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या है यहाँ पे कि आपने एक प्लान किया है कि मैं उस बंदे का मदद करूँगा, है ना, आप उस बंदे का हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पे मतलब क्या आ रहा है कि मैं शाम में मूवी देखने जाऊँगा, है ना, मैं शाम में मूवी देखने जाऊंगा, मैं शाम में मूवी देखने जा रहा हूं आज। तो इसका मतलब क्या है, एक फ्यूचर का एक्शन है, दिस इज एक्शन, ये अभी आप नहीं कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी दिस इवनिंग का मतलब ये बता रहा है कि मैं शाम में फिल्म देखूंगा। इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि अभी आप फिल्म देख रहे हैं, है ना, ये कह रहा है कि मैं शाम में क्या करूँगा, मूवी देखूँगा, मैं मूवी देखूँगा शाम में, राइट। तो इसको ऐसे समझना, आई एम गोइंग टू हेल्प हिम, इसका मतलब कि अभी आप जा रहे हैं हेल्प करने, इसका मतलब है कि मैं उस बंदे की मदद करूंगा, है ना, मैं उसकी मदद करने जा रहा हूं, मैं उसकी मदद करने जा रहा हूं, मैं फिल्म देखने जा रहा हूं। इसका मतलब ये यहां पे नहीं है कि आप अभी फिल्म देखने ही जा रहे हैं, एक फ्यूचर एक्शन है, एक प्लान्ड एक्शन है कि आप शाम में मूवी देखने जाएंगे, है ना, आप उस बंदे की मदद करने जाएंगे, है ना। आई एम गोइंग टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जा रहा हूँ का मतलब ये नहीं है कि आप चल दिए जा रहे हैं, यहाँ पे उसका मतलब है कि आप उस बंदे की मदद करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प हिम, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपने एक प्लान कर लिया है कि मैं उसकी मदद नहीं करूँगा, तो आप कह सकते हैं मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो ये मदद उस समय का नहीं है, दैट ये फ्यूचर में आप प्लान कर रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा। कभी कभी प्रिडिक्शन वाला भी जो सेंटेंस होते हैं वो भी किसमें आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले जो प्रिडिक्शन वाले सेंटेंस वो फ्यूचर को डिनोट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे ही इज गोइंग टू विन द मैच, आप एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल क्या है, एक फॉर्मल वे में जो हम कहते हैं ही विल विन द मैच, वो क्या करेगा, मैच जीतेगा, है ना, वो मैच जीतेगा। लेकिन यहाँ पे हम एक प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं वो पक्का जीत, वो जीतेगा, कब जीतेगा नहीं पता, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर गेम के बारे में, कह रहे हैं कि ये तो पक्का जीतने वाला है भाई, वो जीतेगा, तो ही इज़ गोइंग टू विन द मैच, वो मैच जीतने जा रहा है। जीतने जा रहा है मतलब कि खेल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, करें वो मैच अब जीत जाएगा, कोई टेंशन ना है, है ना। जैसे आपकी तैयारी को देख के कहते ना कि अरे मेरा एग्ज़ाम अब क्लियर होने जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, आप ऐसा बोलते हैं कि इस बार क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से ये कह रहा है कि वह मैच जीतने जा रहा है ना, भले लास्ट राउंड में हार जाए, लेकिन अभी आप कह रहे हैं, एक प्रिडिक्शन बन रहा है कि वो जीतने जा रहा है। तो हम इसको किस में लिखेंगे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये फ्यूचर बता रहा है। कैसा फ्यूचर बता रहा है, इनफॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे एक प्लान है। इनफॉर्मल मतलब कि विल नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना, लेकिन ये बता क्या रहा है, फ्यूचर बता रहा है। उसी तरीके से माय ब्रदर इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर, है ना, मेरा भाई डॉक्टर बनने जा रहा है। बनने जा रहा है का मतलब क्या कि मेरा भाई डॉक्टर बनेगा, है ना, मेरा भाई डॉक्टर बनेगा। ऐसा थोड़े है कि तुरंत अभी डॉक्टर बन जाएगा, तुरंत बनने जा रहा है तो, है ना, मेरा भाई डॉक्टर बनेगा। तो ये बात हो रही है फ्यूचर की, बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। तो जब हम फ्यूचर की इस तरह की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या यूज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज होगा, ठीक है। उसी तरीके से
ये क्या है, सॉरी क्या यूज होगा, बी गोइंग टू यूज होगा। उसी तरीके से हम जब अरेंज्ड एक्शन करेंगे, कोई एक्शन जो हमारा अरेंज्ड है ऑलरेडी पहले से, अरेंज्ड एक्शन को भी हम प्लान्ड एक्शन कहते हैं। जो एक्शन अरेंज्ड है मतलब कि कोई काम हम पहले से अरेंज कर चुके हैं, यहाँ है कोई एक्शन को हम क्या कर चुके हैं, प्लान कर चुके हैं, कोई एक्शन को अरेंज्ड कर चुके हैं, तो हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे। जैसे कि आई एम गोइंग टू विजिट मनाली, है ना, तो आप कहाँ जा रहे हैं छुट्टियों में इस बार, आपने कोई प्लान नहीं किया है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे। लेकिन अगर आपने प्लान कर लिया है कि हाँ हम इस छुट्टी में मनाली जाएंगे, तो आप बोलेंगे कि इस बार हम छुट्टी में मनाली जा रहे हैं। क्या बोलते हैं, इस बार हम छुट्टी में मनाली जा रहे हैं, मनाली जाने का प्लान है, तो आई एम गोइंग टू विजिट मनाली, है ना, इस बार हम मनाली जा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, आई एम विजिटिंग शिमला दिस हॉलीडे, है ना, आप इस हॉलीडे में क्या कर रहे हैं, तो हम शिमला घूम रहे हैं भाई, इस हॉलीडे में मेरा शिमला घूमने का प्लान है। शिमला घूम रहे हैं का मतलब नहीं कि आप शिमला में हैं और घूमने लगे, इसका मतलब यह है कि आपने एक अरेंज्ड एक्शन किया जो फ्यूचर में होगा, इस छुट्टी में आप कहाँ जाएंगे, शिमला घूमने जाएंगे। आई एम वॉचिंग मूवी नेक्स्ट वीक, है ना, मैं अगले वीक फिल्म देख रहा हूँ। हम बैठे बैठे हम लोग प्लान करते हैं, बैठे हुए हैं और फिल्म की बात निकली, आप बोलेंगे भाई बड़ा बोरिंग लग रहा है, अगले वीक हम फिल्म देख रहे हैं, चाहे जो हो जाए। तो यहाँ बैठे आप एक अरेंज्ड कर लिया आपने एक प्रोग्राम और आप कह रहे हैं कि मैं फिल्म देखूंगा अगले वीक, ठीक है, मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। ये जो बात कह रहे हैं आप, ये फ्यूचर का है, ना कि उस समय हो रहा है। जैसे आई एम विजिटिंग शिमला दिस हॉलीडे मतलब कि इस हॉलीडे में आप शिमला जा रहे हैं घूमने, है ना, विजिट करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ये कह रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो बातें हो रही हैं वो किस में हो रही हैं, वो हो रही हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन बात किसका हो रहा है, तो फ्यूचर का हो रहा है, ये तुरंत का नहीं हो रहा है, ठीक है। सिंपल फ्यूचर का यूज़ हम जब कहाँ करेंगे, फ्यूचर का यूज हम जब हम प्रेजेंट में करते हैं, मतलब सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। जब आप देखिए सिंपल प्रेजेंट में कब करते हैं, जब वो एक्शन क्या होता है, टाइम टेबल्ड होता है, मतलब कि एक ऐसा एक्शन जो टाइम टेबल्ड है, उसका दो पार्ट है, एक जो प्लान करते हैं, लेकिन एक ऐसा प्लानिंग जो टाइम टेबल्ड है और वो फ्यूचर में होगा ही होगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जाएंगे, मान लीजिए कि मेरी जो क्लास है वो स्टार्ट होगी, है ना, जो मेरी क्लास है वो 5 जुलाई से स्टार्ट होगी, तो क्या लिखा, माई क्लास स्टार्ट फ्रॉम फिफ्थ जुलाई। ये है कि मेरी क्लास जो है 5 जुलाई से स्टार्ट होगी, तो यहाँ मैंने लिखा कि माई क्लास स्टार्ट फ्रॉम 5th जुलाई। अब देखिए यहाँ पे जो स्टार्ट्स है, माई क्लास स्टार्ट फ्रॉम 5th जुलाई, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है, टाइम टेबल एक्शन है। व्हाट टाइम डज योर ट्रेन लीव, क्या समय है जब तुम्हारी ट्रेन जाएगी, ट्रेन तो को तो जाना है, उसका कोई टाइमिंग है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइम डज योर ट्रेन लीव। तो जब आप इस तरह के सेंटेंसेस करेंगे सिंपल प्रेजेंट में, जब टाइम टेबल्ड होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो भी एक फ्यूचर की बात करता है, है ना। उसी तरीके से B2 + B1, एक ऑफिशियल जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है, आप वो देना चाह रहे हैं, है ना, कि मैं जाऊँगा, है ना, आई एम टू गो, है ना, ही इज़ टू कम, वो आने को है, है ना, द न्यू रूल इज़ टू कम, नया रूल आने वाला है, द बस इज़ टू लीव, बस जाने वाली है, हम ऐसे कहते हैं। लेकिन अगर ये भी इसमें ऐसे भी कह सकते हैं, द बस इज़ अबाउट टू लीव, बस अब जाने ही वाला है, द न्यू रूल इज अबाउट टू कम, नई रूल आने वाली है, ही इज़ अबाउट टू कम, वो अब आने ही वाला है, आई एम अबाउट टू गो, मैं अब जाने ही वाला हूँ, है ना। तो जब इस तरह की बात करते हैं, अभी आप जा नहीं रहे हैं ना, गए हैं, आप एक प्लान बना रहे हैं कि मैं जाऊँगा, मैं जाने वाला हूँ, नई रूल आने वाली है, है ना, बस खुलने वाली है, अब वेट करें, अब खुलेगी, बस खुलने वाली है। तो ये किस में चला गया, एक ये भी चला गया कि इसमें फ्यूचर की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को हम कहाँ यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं, कहाँ में, किस में, फ्यूचर की बात बताने के लिए, किस तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब जो बात आ गया कि सिंपल फ्यूचर का यूज़ हम कैसे करेंगे, जब हम सिंपल फ्यूचर का यूज़ करेंगे फॉर्मल तरीके से, तो उसका यूज़ कैसे होगा। जैसे कि अगर हमें ये बोलना हो कि मैं ये काम करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, तब इसको कैसे बनाएंगे, इस तरह के सेंटेंसेस बनाएं, इनके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप जो लगा दीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उधर एडवर्बियल लगा सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं, तो आप इधर जो यूज़ कर ले, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे हम लिख सकते हैं कि आई विल, है ना,
हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, करूँगा है ना, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैंने एक फ्यूचर की बात कह दी कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, है ना, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर आप इसे नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, आई विल नॉट हेल्प यू। अगर आप ये चाहें कि विल नॉट को शॉर्ट में लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हैं क्या, वोंट, क्या लिख सकते हैं, वोंट। इसको विलंट नहीं पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, वोंट पढ़ा जाता है। तो आप लिख सकते हैं आई वोंट हेल्प यू, उसके बाद विल आई हेल्प यू क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आप कह सकते हैं वोंट आई हेल्प यू, है ना। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, वह बाजार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट, ही वोंट गो टू मार्केट, विल ही गो टू मार्केट, वोंट ही गो टू मार्केट। है ना, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, किसमें, सिंपल फ्यूचर में। ये कह रहा है कि ही विल गो टू मार्केट, वह बाजार जाएगा, ही वोंट गो टू मार्केट, क्या वह मतलब ये कह रहा है ही वोंट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाएगा, विल ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाएगा, वोंट ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जाएगा। तो हम इस तरीके से विल को स्ट्रक्चर करते हैं, विल को कहते हैं, जो कि फॉर्मल तरीका होता है कहने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा विल समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।